हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पावर बी आई पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज करता हूँ। ये देखिएगा डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया कि पावर बी आई को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, पावर बी आई डेस्कटॉप को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा सिस्टम में फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, इसीलिए हो सकता है कुछ टाइम ले, ठीक है। तो आप पेशेंस बना के रखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया, सबसे पहले मेरे पास मैसेज आ रहा है, ठीक है, आप ब्लैंक रिपोर्ट या एक्सेल वर्कबुक या एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लैंक रिपोर्ट को ओके करते हैं, ठीक है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया, ये देखिएगा पावर बी आई ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने कई ऑप्शन है, ठीक है। आप डाउन में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये क्या है, ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं एक्सेल में जाता हूं। ये देखिएगा मैं एक्सेल में आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा पावर बी आई आप देख सकते हैं ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। ये टॉप को क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं रिबन्स। ये क्या है, सारे के सारे रिबन्स है, ठीक है। ये ऑप्शन आपने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इस टाइप को क्या बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है। ये क्या है फिल्टर्स, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं व्यूज, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। पावर बी आई में जाते हैं, ये देखिएगा मैं पावर बी आई में आ गया, ठीक है। अब आप सभी ने ये आपको पता चल गया होगा कि ठीक है, हम इसको टॉप को क्या बोलते हैं रिबन्स बोलते हैं। ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन है, जहां से आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फील्ड्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी आपको बताया, ये क्या है, ये फिल्टर्स है, यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये व्यूज है, अब ध्यान दीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है आप देखिएगा। सबसे पहले जो टैब आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम रिपोर्ट व्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं रिपोर्ट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है उस पर टेबल व्यू, ठीक है, यहां से इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जो आपके पास डेटा होगा उसकी डिटेल आपको यहां पर दिखाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में क्या काम होता है, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है, आपने इंपोर्ट किया है, उनको आप रिलेट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है डैक्स क्यूरी व्यू। बेसिकली पावर बी आई ने, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पावर बी आई मंथ ऑफ मंथ न्यू अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो वहां से ये एक नया फीचर है जो कि सबको अवेलेबल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर अपना कंसा लिखना है, ठीक है, देन इंटर करना है, वो ऑटोमेटिक एक डैक्स फंक्शन बना देगा आपके लिए, ठीक है। उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने टेबल में और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पावर बी आई के फील्ड पेन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।